नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनका निधन जिला कांगड़ा की फतेहपुर तहसील में उनके पैतृक गाँव में हुआ। वह 78 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सुजान सिंह पठानिया एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नेता थे, जो गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों के कल्याण के प्रति सदा समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश और विशेषकर जिला कांगड़ा के विकास में उनके योगदान को सदा याद रखा जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में जनहितेशी व दूरदर्शी नीतियां रंग ला रही है। इसी के परिणाम स्वरूप नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। पेश है एक रिपोर्ट। क्षमताओं का दमखम, प्रयासों को पहचान, नवाचार यानी इनोवेशन का नया केंद्र बना हिमाचल। हिमाचल की जयराम सरकार की दूरदर्शी नीतियाँ और कोशिशें रंग ला रही हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर पहुंच गया है। उत्तरी पूर्वी एवं पहाड़ी 10 राज्यों के बीच हिमाचल ने सबसे ज्यादा अंक अर्जित कर यह सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं से प्रेरित हो हिमाचल सरकार ने भी राज्य में नवाचार को बल देने और कारोबारी माहौल तैयार करने के लिए कई कदम उठाए। कारोबार से जुड़ी तमाम अनुमतियों का ऑनलाइन मिल जाना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत आसान ऋण और हिम स्टार्टअप योजना ने राज्य का कारोबारी माहौल बदल दिया है। राज्य के युवा अपने उद्यम के लिए अभिनव विचारों के साथ आगे आकर अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। नए प्रयोगों और स्टार्टअप को सरकार 25,000 रुपए प्रति माह की मदद दे रही है। साथ ही उद्यम शुरू करने और मार्केटिंग के लिए दी जा रही है 10 लाख रुपए तक की सहायता। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था को नई गति देने में जुटी जयराम सरकार ने नवाचार को बनाया है हिमाचल की प्रगति का परचम। चुनौतियों को स्वीकार करने का जज्बा अगर दिल में हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती और सफलता हर दम आपके कदम चूमती है। इसे साबित कर दिखाया है हमीरपुर जिला के नहोंगी गांव के रहने वाले श्री करतार सिंह सोंखले ने। कांच की बोतलों में बांस की लकड़ी से अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देने वाले श्री करतार सिंह के शौक ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत होने का गौरव प्रदान किया है। वर्ष 2000 के आसपास उन्होंने कांच की बोतलों में बांस की सूक्ष्म कलाकृतियां उकेरनी आरंभ की। आज बांस की अनेक सूक्ष्म कलाकृतियों को संजोकर उन्होंने इस अनूठी कला को राष्ट्रीय व विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया है। श्री करतार सिंह अपनी इस कला को निखारने में किए गए प्रयासों को संघर्ष नहीं मानते, बल्कि इस कार्य को करने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। उनकी कलाकृतियों में हिमाचल के ग्रामीण जीवन, मंदिरों व पहाड़ी भवन निर्माण शैली की झलक के साथ साथ सामाजिक संदेश देती तस्वीरें उनके भावों को भी अभिव्यक्त करती है। कोरोना काल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर तक की तस्वीरें उनकी कांच की बोतलों में आकार ले चुकी हैं। वह बताते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बेकार में से सर्वोत्तम तथा चुनौतियों में भी अवसर के मंत्र से वे खासे प्रभावित हुए और लॉकडाउन अवधि में उन्होंने खाली पड़ी कांच की बोतलों में बांस की सूक्ष्म कलाकृतियां बनाकर समय का सदुपयोग किया। देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने से उत्साहित वह कहते हैं कि उनकी जीवन यात्रा सही मायने में अब यहां से आरंभ हुई है। स्टेट गवर्नमेंट का भी मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी कि मेरे काम को जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। ये बचपन से मुझे थोड़ा बहुत शौक था इसका और मैं इसको मतलब जो भी जितने टिपिकल काम होता था मैं उसको करने की कोशिश करता था। जो लोग मना कर देते थे कि ये नहीं हो सकता, मैं उसी को पकड़ता था। इसी तरह आस्ता आस्ता मैं इसको इस ओर में बढ़ता गया और सबसे पहले मैंने इसका अपना जो शिमला में रिज पे जो हमारा चर्च है उसका मॉडल जो था मैंने उसमें इंसर्ट किया था। और उसके बाद ये काफी लगे हाँ, फिर ये कंटिन्यू होता गया। थोड़ा सा मेरे को मिली इससे कि नहीं कुछ हो सकता है। फिर मैंने
डिफरेंट एंगल से ना कोई चीज बनाने की कोशिश की और उसमें मैं कामयाब होता गया और ये बस सिलसिला जारी हो गया जी। श्री करतार सिंह अब भारत सरकार की ओर से संचालित एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन परियोजना के साथ स्थानीय स्तर पर जुड़े हैं और प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की पहल पर भाषा कला संस्कृति विभाग की ओर से शिमला के बैंटनी कैसल में वर्ष 2018 में आयोजित ग्राम शिल्प मेले में इनकी कलाकृतियों को काफी सराहना मिली। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से उन्हें सितंबर 2020 में शीशे की पारदर्शी बोतल में बांस की सूक्ष्म कलाकृतियां बनाने के लिए नया रिकॉर्डधारी घोषित कर इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंतर्गत उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई। इसके अतिरिक्त वह स्थानीय स्तर पर हमीर गौरव अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3042 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1588 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1453 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 997641 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 938065 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 58113 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 56646 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 477 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।